नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में। देखो, ये जो शेयर होल्डर है उनके लिए एक खुशखबरी या फिर दुखखबरी हम लोग बोल सकते हैं जोमेटो में निकल के आ रही है। जोमेटो शेयर में खुशखबरी निकल कर आ रही है, और कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये खुशखबरी है जिसके चलते जोमेटो में आज के दिन आप लोग को लगता है कि जो खुशखबरी होनी चाहिए फिर नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ जोमेटो में निकल के आ रही है। जो जोमेटो के शेयर होल्डर थे, जो प्रमोटर्स ग्रुप था, सबसे बड़ा प्रमोटर्स ग्रुप था अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा जो ग्रुप था जोमेटो का, उसने अपने स्टेक सेल करे हैं। अप्रोक्स उनके पास आज के टाइम में अलीबाबा ग्रुप के पास सिर्फ 10% तक का स्टेक जोमेटो पर रह गया है। जिसके बाद भी अगर हम लोग बात करते तो शेयर में आप लोगों को कोई भी बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती है। शेयर में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिली थी, उसके बावजूद भी अगर हम लोग बात करें तो 100 मिलियंस के स्टेक्स जो थे अलीबाबा ग्रुप ने जोमेटो के सेल कर दिए हैं। जिसके बाद भी शेयर में आप लोग कोई बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलती। शेयर में जब भी इस तरह की किसी भी कंपनी में इतना बड़ा स्टेक बेचा जाता है तो उस शेयर में आप लोग को अप्रोक्स 10 से 20% तक की गिरावट इस शेयर में देखने के लिए उस तरह के शेयर में देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जोमेटो हम बात करते हैं, 3.54% तक की आप लोग को रिटर्न आज के दिन में इस शेयर ने कमा कर दिए हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर हम लोग बात करते थे शेयर में, चलते हैं ग्राफ के ऊपर, तो देखा जाए इस शेयर में आप लोग को बुलिश एंगल फिर कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। जो ऑटोमेटिक हार्विंग पैटर्न है वो भी आप लोग को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था इस शेयर में कि अभी आप लोग को इस शेयर में जो अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी लगातार, इस शेयर में अभी आप लोग को बुलिश रन देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं इसका टारगेट क्या रहने वाले हैं। अगेन लास्ट टाइम की तरह जब हम लोगों ने इसमें दो टारगेट डिस्कस करे थे, एक 69 का था, दूसरा 75 का था। दोनों शेयर जो दोनों टारगेट थे शेयर ने टच करके आप लोगों को डाउनफॉल दिखाया था। अगेन यहाँ पर भी शेयर के सेम टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 69 का और 75 का। 75 के जो प्राइस होगा इसके ऊपर अगर शेयर आप लोग को ब्रेकआउट दिखाता है 75 के ऊपर, आप लोग को मार्केट बंद होते हुए दिखाई देती है फिर मार्केट खुलते हुए दिखाई देती है, तो इस शेयर बहुत ही ज़्यादा बुलिश रन आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। एक हैवी हैवी अपसाइड की तरफ, हैवी अपसाइड ट्रेंड आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिलेगा। 75 के ऊपर जो इस शेयर में आप लोग को जो दूसरा टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा वो देखने के लिए मिल जाएगा 89 का, जो कि श्योरली ऐसा हो सकता है कि इस बार ये शेयर अगर 75 के ऊपर आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बंद होते हुए दिखाई देती है 75 के ऊपर, तो आप लोग को श्योरली इस शेयर में अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने के मिलेगी। टारगेट रहेगा 89 का। तो जोमेटो में भी ऐसा भी हो भी सकता है कि आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो कि न्यूज़ निकल के आई है उसके चलते आप लोग को गिरावट देखने के मिल सकती है। ये शेयर में अगर आप लोग गिरावट देखने के मिलते हैं तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि अभी शेयर में आप लोग को डरने की बात नहीं है, जो शेयर होल्डर है उनके लिए अच्छी खबर यही है, आप लोग को शेयर बुलिश रन देखने के लिए मिलने वाला है। जोमेटो में टारगेट 69 और 75 रहने वाले हैं, तो आई होप आप लोग इस शेयर में अभी बनकर रहेंगे और अभी पैसा होल्ड करके जो शेयर से उनको होल्ड करके चलेंगे। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर सबसे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज बनाते रहते हैं। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी लोग चलती हूँ आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में मैंने जितना कुछ बताया वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।